नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवीनबे सायन पनवेल महामार्ग पर वर्षों से गड्ढों की समस्या चली आ रही है, जिससे वहां के सफर करने वाले यात्री व वाहन धारकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने का दृश्य बना रहता है सायन पनवेल महामार्ग, खासतौर पर बारिश के मौसम में। वही जगह अभी हाल ही में एक दुर्घटना में सनी विश्वकर्मा नाम के एक युवक की गड्ढों की वजह से जान चली गई है। इसी गंभीर विषय को देखते हुए सायन पनवेल महामार्ग के हालात को देखने पहुंचे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले व अन्य लोग। इसी गंभीर विषय को देखते हुए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और आने वाले समय में जल्द से जल्द सड़कों की समस्या को सुधारा जाएगा। ये जो रास्ता है ये इस पे बड़े गड्ढे गिरे हैं और इसलिए मैं खुद आया हूँ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। यहाँ पर जो भी कार्रवाई करनी है उसका काम शुरू है, पेवर ब्लॉक हो या कॉन्क्रीट रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हो या कोल्ड मिक्स हो, इसके जरिए इस रास्ते की मरम्मत करने का काम शुरू है और कुछ समय के बाद ये पूरा जो स्ट्रेच है इसको हम लोग कॉन्क्रीट करेंगे। सर, गलत तरीके से काम किया जा रहा है, इसको क्या गलत तरीके से जिसने काम किया है, जो भी ठेकेदार है उसकी इंक्वायरी की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो दुर्भाग्य की बात है, ये घटना तो बुरी हुई है लेकिन अब खड्डे की वजह से हुई है। ये खड्डे की वजह से कई जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए शासन निश्चित रूप से इसका विचार करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।